हे गाइस, मिनी हियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विद कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंसी। कैसे हम पढ़ाई करें खूब सारे कंसंट्रेशन के साथ और एफिशिएंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अगर आपको अपना कंसंट्रेशन और एनर्जी और अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जो मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से बहुत वर्क करती है। दैट इज़ प्राणायाम। हमारे योगा में है बट नोबडी फॉलोज डैट। किसी को भी वो आदत नहीं है फॉलो करने की, बच्चे उसे सीरियसली नहीं लेते, बट वो हमारा माइंड हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प कर देता है, आपको यकीन भी नहीं होगा। आपको सिर्फ कुछ टाइम प्रैक्टिस करनी है और आप कितने भी घंटे आराम से विद कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सीधा बैठ जाइए कहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रीथ करना है लेफ़्ट नॉस्ट्रल से। आप अपना थंब लीजिए, थंब को आप एक नॉस्ट्रल में रखिए, राइट वाले पे आप इसे पुश करिए, दबा के रखिए। आपकी इसमें सांस नहीं जानी चाहिए और इधर से आप सांस लीजिए इस तरीके से। और आपको काउंट करना है अपने मन में, 1 2 3 4। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपको 4 तक काउंट करना है और इसमें आपकी सांसों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब आप रुक जाइए यहाँ पे, आपको कोई भी सांस नहीं लेनी है ना छोड़नी है, आपको बिल्कुल अपनी सांस रोक देनी है और ये भी सिर्फ 4 सेकंड के लिए। आप काउंट करें अपने मन में सांस रोक के, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, ये वाली फिंगर आपको इस साइड रखनी है, ये वाली नॉस्ट्रल को, लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल को बंद करना है और उसके बाद आपको 8 तक काउंट करना है। यहाँ पे हमने 4 ब्रीद इन करने में लिया और उसके बाद जब हमने ब्रेक लिया तो हमने 4 सेकंड का लिया, और जब हम ब्रीद आउट करेंगे, जब हम अपनी सांसों को छोड़ेंगे, तब आपको 8 तक काउंट करना है। ओके, और ऐसा प्रोसीजर करने में आपकी सांसों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप बार बार आप ये करेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स डेली, 3 बार, 2 या 3 बार। जब भी आप ब्रेक लें तो इसी तरीके का ब्रेक लें और आपको ये बार बार करना है। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मेरी फेवरेट है, आपको जब भी ब्रेक चाहिए इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग या नैप लेने की जगह, या फिर आप क्या करते हैं, हम कोई सीज़न वॉच करने लग जाते हैं या फिर कोई वीडियो देखने लग जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं, इस तरीके का ब्रेक लेने की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप गाइडेड मेडिटेशन लगाइए। गाइडेड मेडिटेशन टाइप करिए यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ऑडियोस मिल जाएंगी, जो कि आप अपना ईयरफोन लगाएं, 10 मिनट वाला गाइडेड मेडिटेशन ऑन करें। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं भी आता है वो भी इजीली कर पाते हैं बिकॉज आपको कोई गाइड कर रहा है। व्हाट डू वी मीन बाय गाइडेड मेडिटेशन, जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं आ रहा उनको गाइड करके मेडिटेशन कराया जा रहा है। तो 10 मिनट्स का, सिर्फ अगर आप 10 मिनट्स भी अगर आप मेडिटेशन इस तरीके का कर लेते हैं तो वो 1 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो मेरे को जब भी अपने आप को बहुत एफिशिएंट बनाना होता है या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत होती है, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं थक जाती हूँ पढ़ते पढ़ते या कोई काम करते करते, तो मैं ब्रेक इस तरीके से लेना प्रेफर करती हूँ। गाइडेड मेडिटेशन ऑन किया, 10 मिनट्स का ब्रेक लिया और बिल्कुल 1 आवर जैसी नींद के बराबर फ्रेश हो जाता है दिमाग। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक जो मैं काम में भी और पढ़ाई में दोनों में अप्लाई करती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड टेक्निक पे। अगर हमें बहुत ज़्यादा घंटे, एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स मिनिमम पढ़ना है, तो हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता ही है। दैट इज़ मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेटेड रखना ही पड़ता है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप कभी भी इतना लंबा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको 5 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो देखनी है। इससे क्या होगा, आप पूरा दिन पूरा चार्ज रहेंगे, आपके अंदर पूरा मोटिवेशन भरा हुआ होगा, आप बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे, इससे कि आप लॉन्ग आवर्स स्टडी कर पाएंगे या कोई भी जिनको काम भी करना है वो अपना काम कर पाएंगे। फोर्थ टेक्निक, जिससे कि आप लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए पढ़ सकें या काम कर सकें। अगर आपको अपना मेंटली वर्क कराना है तो आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। या तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, पानी पीते रहें, और थर्ड चीज़, अब बहुत ही न्यूट्रिशनल अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लें, अच्छे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं अपनी बॉडी के लिए,
वही चीज़ें खाएं। बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, इस तरीके के पैकेज फूड ना खाएं। इससे हमारा मेंटली हम डाउन होते ही हैं और साथ ही साथ हम फिज़िकली भी वीक पड़ते हैं। तो मेंटली और फिज़िकली अपने आप को दोनों तरीके से स्ट्रांग रखने के लिए हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अपनी अच्छी डाइट लीजिए, तभी आपकी मेमोरी इतनी शार्प होगी और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाएंगे। तो ये थी मेरी कुछ ट्रिक्स, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विद कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंसी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए कि आप तक पहुँच जाएँ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।